नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी भी गीत पे, किसी भी भजन पे, किसी भी तर्ज पे हम बीच का जो फिलर म्यूजिक रहता है उसे कैसे भर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी गायक जब गाता है ना तो उसके पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है जो कि स्ट्रिंग में चलता है। तो उस स्ट्रिंग म्यूजिक को हम किसी भी गाने पे कैसे प्ले कर सकते हैं, इसको मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो ये चीज को मैं सिखाऊंगा हनुमान चालीसा के तर्ज पे। तो हनुमान चालीसा के तर्ज को मैं खाली बजा के, गुनगुना के आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम उस पे फिलर म्यूजिक डाल सकते हैं। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद इस चीज को आप किसी भी गाने पे लागू करेंगे, किसी भी भजन पे लागू करेंगे तो सेम टू सेम चीज रहता है। फिर किसी भी गाने पे आप फिलर म्यूजिक लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलर देने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं किस तरह से फिलर देता हूँ उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हनुमान चालीसा को थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, बजाते हैं। ठीक, ये ठीक। अब इस पे हमको बीच में जो है जगह मिलता है फिलर लगाने का। देखिए, ला 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 ला, कोई गाया गाया। अब इस पे हमको जस्ट पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, यानी कि फिलर लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए, स्ट्रिंग पे ही बजाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कहाँ पे आके रुक रहा है वो? सा ये है तो ये रे। यहां से गायक जहां से भी घूम के आया रे पे रुका। ठीक है, तो हम जो फिलर म्यूजिक लाएंगे उसको रे पे लाके छोड़ देंगे। ये ठीक, अब देखते हैं कैसे। यहां पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पे आया, अब यहां पे लाके छोड़ दिए। ठीक, यही चीज को आपको समझना है कि फिलर हमको कैसे देना है। सबसे पहले तो आपको सा और प और अगले सप्तक का सा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये सा, ये प और ये अगले सप्तक का सा। ठीक, अभी देखिए यहां पे सबसे पहला लाइन हमने लिया, ये हमारा फिलर रहेगा। गायक ने गाया, ठीक है, हमारा फिलर रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि गाना जो चल रहा है वो कहां पे जाके रुक रहा है, ये हमको पता करना है। ठीक, गाना जो चल रहा है वो कहां पे जाके रुक रहा है उसको हमको पता करना है। उसके बाद आप कहीं से भी लाके वहां पे छोड़ेंगे, यहां पे भी देंगे ना तो भी वो ठीक लगेगा। देखना, यहां पे भी लाके छोड़ेंगे, मतलब यहां से भी अगर लाएंगे यहां तक तो भी ठीक लगे। उसको घुमा फिरा के लाओगे तो भी ठीक लगे। वही तो कला है, उसको जिस तरह से भी आपको बजाना आता है, यानी कि जितना निखार करके आप बजा सकते उतना निखार करके आप बजाइए, वो बेहतरीन लगेगा। अब यहां का बात है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको भी आप अपने तरीके से जैसे भी करके यहां पे ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है। फिर यहां से जो है उड़ान आ जाएगा, वो किस प्रकार से चलेगा। अब हमको किस प्रकार से फिलर डालना है इस पे देखिए।
आप कहाँ पे रुक रहा था गाना? यहाँ पे देखिए, ये गीत नहीं है, माफी चाहता हूँ, गीत गीत मुंह से निकल जाता है, हम हनुमान चालीसा के तर्ज पे इसको सीख रहे हैं। तो जहां पे रुक रहे हैं ना, इसका जो जो भी तर्ज है वो जहां पे रुक रहा है उसके हिसाब से हम इसको करते जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, अब यहां पे रुका, अब कहां फिलर कैसे होगा? ये इसका ओरिजिनल फिलर है, लेकिन इसको अपने तरीके से और भी कई तरीके से आप बजा सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है कि रुकेगा कहां पे फिलर, ठीक है? उसके हिसाब से गायक को और आगे जाने का मौका मिलता है, यानी कि आप अगर फिलर अच्छे से डाल रहे हैं ना तो गायक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और जो गायक गा रहा है और आपका फिलर जो बज रहा है उसको सुनने वाले को भी बहुत बेहतरीन लगेगा। अगर मैं कहीं पे भी ले जाऊंगा, जैसे ये ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए जहां पे रुकना है वहीं पे ही रुकेगा तो ठीक लगेगा, ठीक है? देखिए, अब उसको आगे ले जाना है, ठीक? तो हमको अगर ये हमने किस लिए फिर से वही लाइन आ जाएगा, ला 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 ला, देखिए कोई भी गीत चल रहा हो, कोई भी भजन चल रहा हो, आपको सा ग प और ये सा, ये अगर याद है और वहां से अगर कोई भी फिलर आप उठाते हैं और सही जगह पे डाल के छोड़ देते हैं तो हर गीत आपका सुरीला लगेगा, हर गीत आपका सुरीला, चाहे आप कोई भी गीत, जैसे इस पे भी आप फिलर डालेंगे तो एक बार आपको गाना पता चल गया कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, यहां पे भी, ये फिलर हो जाएगा, ना 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 ना, इस प्रकार से, यानी कि जहां पे रुक रहा है हमको उस जगह पे उस सुरों को लेकर के चलना है जिस सुरों का उपयोग हो रहा है उस गाने में। कोई भी गाना आप अगर स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं तो पहले घर पे प्रैक्टिस करिए कि ये गाना मुझे बजाना है प्रोग्राम में, और ये गाना में ये सुर लगा है, और उन्हीं सुरों के आधार पर, यानी कि जो बटन यूज हुआ है उस गाने में उसी बटन पे आपको फिलर भरना है, तब वो फिलर अच्छा लगेगा। यानी कि जिस जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे थे अभी, तो जिस बटन पे हमने बजाते हुए गया उसी बटन पे हमने फिलर भी डाला, दूसरा बटन ऐसे नहीं, तो बटन को भी याद रख सकते हैं, सुरों को भी याद रख सकते हैं, ठीक है? सुरों को याद रखेंगे तो और अच्छा है, बटन याद रहेगा तो और अच्छा है, तो कोई ना कोई याद रहना चाहिए बटन या सुर। इस प्रकार से आप किसी भी गाने पे फिलर म्यूजिक डाल सकते हैं। और भी कोई चीज अगर आपको सीखना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।